Today's topic IMF. IMF का full form है International Monetary Fund. International Monetary Fund. दोस्तों इसको start करने से पहले इसके कुछ current affair को discuss कर लेते हैं. तो जो पहला current affair है, current affair as per 2018. तो जो first current affair है वो है गीता गोपीनाथ जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, आईएमएफ का न्यू इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया. ये कहा जाए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए. और दूसरी जो करंट अफेयर की आईएमएफ की रिपोर्ट फोरकास्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग 2018-19 में इंडिया की जीडीपी 7.3% है और 2019 और 20 में ये बढ़कर 7.5% हो जाएगी. ये आईएमएफ की रिपोर्ट है जो उन्होंने इस ईयर में बताया है कि इस ईयर में जो जीडीपी है वो 7.3 है और नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर 7.5 में चली जाएगी. अब बात करते हैं कि आईएमएफ को क्यों बनाया गया, आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ गई. तो ये वो टाइम था जब वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर 1945 तक खिंचाया जिसके कारण बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए, बहुत सारी कंट्रियों में क्राइसिस आ गई थी और बहुत ही तरीके की जो वर्ल्ड की स्थिति थी वो बहुत बुरी हो गई थी. तो उस टाइम पे एक ऐसी मॉनेटरी फंड की जरूरत थी और दूसरी जो कंट्रीज थी, जो फॉरेन कंट्रीज थी अलग अलग, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जो मॉनेटरी फंड प्रोवाइड कर सके दूसरी कंट्री को. तो उस टाइम पे आईएमएफ का जो आइडिया है वो दो लोग लेके आए. पहले तो हेनरी वाइट और दूसरे जो कि बहुत फेमस है जॉन केन्स. ये दो लोग आईएमएफ का आइडिया लेके आए, सजेस्ट किए. इस आइडिया में इन्होंने बताया कि आईएमएफ एक तरीके का पूल ऑफ फंड है. ठीक है, पूल ऑफ फंड है मतलब खूब सारा फंड रहेगा दूसरे कंट्रीज के लिए. दूसरा, जब ये बनी थी तो इसमें 29 कंट्रीज अपना योगदान दिए थे. और तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये रेगुलेट करेगा. ठीक है, ये सजेशन इन्होंने दिया था जब आईएमएफ बन रही थी. तो आईएमएफ को जब बनाया गया तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में रखा गया और आज भी ये वही है, वॉशिंगटन डीसी में ही इसकी हेडक्वार्टर है. इसको 27 दिसंबर 1945 में बनाया गया और ये अपना फर्स्ट काम 1 मार्च 1947 में की, मतलब इसकी जो ऑपरेशन है वो 1 मार्च 1947 में स्टार्ट हुआ. अब एक चीज याद रखने की है, जो आईएमएफ से सबसे पहला लोन किसने लिया था. तो जो सबसे पहला लोन है वो मई 1947 में फ्रांस ने ली थी. आईएमएफ से जो सबसे पहला लोन है वो मई 1947 में फ्रांस ने ली थी. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसकी हेडक्वार्टर डीसी है. इसमें याद रखने वाली चीज है कि वॉशिंगटन डीसी इसकी हेडक्वार्टर है. ये 27 दिसंबर 1945 में आई थी और इसका जो ऑपरेशन है वो 1 मार्च 1947 में हुआ था और पहला जो कंट्री था जिसने इससे लोन लिया वो था फ्रांस 1947 में. जब आईएमएफ स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे कैमिलिक गर्ग और आज के डेट में इसके जो करंट प्रेसिडेंट है ये अधिकतर बैंक के क्वेश्चन में पूछता है तो आप इसको याद रखिएगा. आज के डेट में आईएमएफ के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है क्रिस्टिन लगार्डे. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आईएमएफ के मेंबर कंट्री.
IMF जब बनी तो उस टाइम पे इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो 29 कंट्रीज थी और इंडिया इसमें से एक था। ठीक है, इंडिया इन 29 कंट्रीज में से एक कंट्री थी जब IMF बनी थी, और आज के डेट में ये कंट्रीज बढ़कर 189 कंट्रीज हो गई है। रिसेंटली नॉरू 1 अप्रैल 2016 में ऐड हुई और सूडान 18 अप्रैल 2012 में ऐड हुई थी। अब एक चीज बात याद रखने की ये है कि जो IMF में जो कंट्रीज होती है, IMF में जितनी भी कंट्रीज मेंबर रहती है उतनी ही कंट्रीज वर्ल्ड बैंक में भी रहती है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके मेंबर और इसके जो वोटिंग राइट्स कैसे मिलती है, इसके मेंबर्स कैसे बनते हैं। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें हर कंट्री, जितने भी ये 189 कंट्रीज है उसमें हर कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो IMF के बोर्ड ऑफ जनरल में एक रहते हैं। बोर्ड ऑफ जनरल में एक रहते हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं कंट्रीज के, और जितने भी सेंट्रल बैंक के जो भी आपके गवर्नर होते हैं वो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आ जाते हैं। जैसे हमारी RBI है तो RBI के जो गवर्नर है उर्जित पटेल, वो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में एक होते हैं। ठीक है, अब एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि तीन और कंट्रीज का भी रिप्रेजेंट करती है IMF में। तो इंडिया खुद की तो रिप्रेजेंटेशन देती ही है IMF में, और साथ ही बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, इनका भी रिप्रेजेंटेशन देती है IMF में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं IMF की करेंसी के बारे में। तो जो ब्रिटेन यूथ कॉन्फ्रेंस था, जो बनाई गई थी IMF, जो ब्रिटेन यूथ कॉन्फ्रेंस लाई गई थी, तो उसमें कोटा सिस्टम चलता था और डॉलर को ही रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था, और डॉलर से ही IMF की करेंसी बनी थी और गोल्ड को डॉलर के रूप में ही एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन निक्सन शॉक में क्या हुआ, यूएसए जो थी उनको ये चीज थोड़ा अनप्रॉफिटेबल लग रही थी, तो उन्होंने अपनी जो डॉलर है उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि जो भी डॉलर है उनको वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पहले गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट कर ले रहे थे, लेकिन ये यूएसए को तो ठीक नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को मना कर दिया कि अब जो है डॉलर वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, तो इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट आया करेंसी का वो था SDR। ये बोला जाता है कि IMF की करेंसी होती है जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये किसी भी प्रकार की करेंसी तो नहीं है, ये ड्रॉइंग राइट है दूसरी कंट्रीज को कि वो IMF से पैसे ले सके। ठीक है, एक तरीके का इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब IMF में जो कंट्रीज आए, मेंबर कंट्रीज हुए, तो उन्होंने अपनी कंट्री का कुछ करेंसी, कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ IMF में डिपॉजिट करा। तो IMF में जितनी भी कंट्रीज है वो जितनी भी अमाउंट है उसको डिपॉजिट कराती है, तो IMF उस अमाउंट को होली करेंसी में नहीं लेता, उस अमाउंट का 25% वो गोल्ड में और रिमेनिंग 75% वो उस देश की करेंसी में लेता है। ठीक है, 25% गोल्ड में और 25% और 75% वो करेंसी में लेता है। से फॉर अगर हमारी कंट्री की आप बात करें कि सपोज एग्जांपल से अगर 1 लाख रुपए हमारी कंट्री IMF में डिपॉजिट कर रही है, तो वो 25,000 का गोल्ड डिपॉजिट करेगी और 75,000 की करेंसी डिपॉजिट करेगी। ठीक है, अब जितनी भी कंट्रीज है वो जितने भी अमाउंट डिपॉजिट करती है उस हिसाब से उनको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट IMF में दिए हो और उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलती है IMF से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टॉप 8 कंट्रीज की
जिनके पास वोटिंग राइट है आईएमएफ की। तो जो पहली कंट्री है एज यू नो यूएसए होगी। इसका जो कोटा है आईएमएफ में वो 17.68% है और ये सबसे ज्यादा वोटिंग राइट यूएसए के पास है। फिर उसके बाद आता है आपका जापान जिसके पास 6.56% कोटा है। फिर उसके बाद आपके पास आता है चाइना जिसके पास 6.49% कोटा है। फिर आपकी जर्मनी जिसके पास 5.67% कोटा है। और फिर आती है यूके जिसके पास 4.29% कोटा है। फिर आती है फ्रांस 4.29 अगेन परसेंट कोटा। फिर आती है आपकी इटली जिसके पास 3.21% कोटा है। और फिर आती है आपकी इंडिया जिसके पास 2.79% कोटा। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो जो फर्स्ट जिसके पास ज्यादा रिजर्व आईएमएफ में जमा है, जिसकी ज्यादा रिजर्व जमा है और जिसके पास ज्यादा वोटिंग राइट है तो वो है यूएसए। फिर नेक्स्ट आप सेकंड की बात करेंगे तो वो है जापान। थर्ड में आपकी चाइना है। ये तीनों के बारे में पूछती है क्वेश्चन। और लास्ट में ये भी पूछ लेता है बैंक में कि इंडिया आईएमएफ में कितना परसेंट कोटा रखता है, कितने पोजीशन में। तो इंडिया जो है वो 8th पोजीशन में है आईएमएफ के और ये 2.79% रिजर्व आईएमएफ में रखा है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था आईएमएफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए।